हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। रीट एग्जाम 2021 पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अभी अभी आरबीएससी बोर्ड ने जारी कर दी। हमारे जितने भी छात्र रीट की मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, और आप लोगों को बता दें आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, अशोक गहलोत जी ने आप सभी की 50,000 वैकेंसियाँ करने को लेकर एक काफ़ी बड़ी घोषणा कर दी, और आप लोगों का कट ऑफ भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा। हमारे जितने भी रीट के छात्र हैं जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, उनके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिए, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे भी रीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाए जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी अपडेट रीट एग्जाम 2021 पर। तो दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी का विवाद का अंत होने के बाद एक बार फिर से रीट का एक और विवाद आगे आ गया है। ये है आप लोगों का 31,000 पदों को बढ़ाकर 50,000 करने की मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान रीट परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों की लड़ाई खत्म नहीं रही है। एक तरफ तो आपका बीएड और बीएसटीसी वाला विवाद फिर से स्टार्ट हो चुका है। बीएड वाले 9 लाख छात्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हतोत्साहित थे, और यहाँ पर लेकिन अब उनको निराशा देखनी पड़ रही है, और इसीलिए ये लोग भी आगे आ रहे हैं और यहाँ पर पदों की संख्या 31,000 से लेकर 50,000 बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ी अपडेट है, सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ रखा है। उसके बाद यहाँ पे अशोक गहलोत जी आकर यहाँ सामने आते हैं और आपको बताते हैं 2016 से लेकर 2019 तक 2018 तक की जितनी भी भर्तियाँ आई हैं, और उसमें जितने भी बैकलॉग के पद हैं उनका ब्यौरा मंगाया गया है। उम्मीदवार जो है सीएम अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासे जी को टैग कर रहे थे, और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, और उन सभी पदों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा जो बैकलॉग में खाली थे। आप लोग देख सकते हैं उन पदों को जोड़ा जाए यहाँ पे नई भर्ती में, जो आपकी नई भर्ती 31,000 में जो है उन सभी पदों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें हमारे जितने भी छात्र हैं जो 50,000 वैकेंसियों की मांग कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपको बता दें इससे अगर आपका 50,000 वैकेंसियाँ हो गई तो लेवल एक में, आपको बता दें लेवल एक में जनरल कैंडिडेटों का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लेवल टू में यहाँ पे आप लोग बताते हैं कट ऑफ जहाँ हाई हो चुका, क्योंकि 9 लाख छात्र बाहर हो चुके हैं लेवल फर्स्ट से, वो लेवल टू में आ चुके हैं। तो ऐसे में लेवल टू में भी आपका कट ऑफ जो है डिक्रीज़ होगा, अगर आपके पदों की संख्या बढ़ी तो लेवल टू में सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज़ होगा।